कोरोना को मात देने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से फिट हैं। लगभग 8 महीने चेन्नई में इलाज कराने के बाद सोमवार की शाम चार्टर्ड प्लेन से रांची पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। सीएम हेमंत ने तोड़ा प्रोटोकॉल। ये एक भावुक पल था, जहां हेमंत सोरेन ने जोहार जगन्नाथ दा कहा तो मंत्री की आंखें छलक गईं। मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोटोकॉल तोड़कर मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वागत के लिए पहुंचे तो हर किसी ने इसकी तारीफ की। इंटरनेट मीडिया पर इसे लोग उनकी संवेदनशीलता से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मंत्री जगन्नाथ महतो के आगमन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके सरकारी आवास पर भी गए, जहां उनके आवास में कोई चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं ताकि मंत्री के स्वास्थ्य की सतत निगरानी रखी जा सके। कद्दावर नेता हैं जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। समर्थक उन्हें टाइगर कहकर संबोधित करते हैं। जगन्नाथ महतो शुरुआत से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं। लगातार 4 बार डुमरी से विधायक बने। मैट्रिक पास को लेकर विपक्ष के बयान पर उन्होंने 11वीं में एडमिशन लिया। नावाडी के देवी महतो स्मारक महाविद्यालय आर्ट्स में अपना एडमिशन कराया था। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद शिक्षा मंत्री का लंग्स पूरी तरह संक्रमित हो गया था, जिसके कारण चेन्नई के MGM अस्पताल में इनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया। पिछले महीने के अंत में चेन्नई में डॉक्टरों ने सभी रिपोर्ट्स के नॉर्मल आने के बाद उन्हें स्वास्थ्य बताते हुए हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी थी। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।